नमस्ते। हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस कलीग्स कम फ्रेंड्स के साथ पंचगनी। पंचगनी में आज हमारा स्टे है एक रिसॉर्ट में। हम हर क्वार्टर में जाते रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एक ही टीम में हैं हम लोग। और हमारा ऐसा बॉन्ड बन गया है कि हम लोग हर क्वार्टर में हमने फिक्स करके रखा है, विदाउट फैमिली गेट टुगेदर होगा एक। तो हम लोग आज उसी के लिए जा रहे हैं पंचगनी। सो एवरी टाइम भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे जाना है आसपास में, जहाँ ज़्यादा ट्रैवल ना हो, क्योंकि सब लोग मैरिड हैं, तो मैरिड लोगों का प्रॉब्लम आप समझ ही सकते हैं कि ज़्यादा दिन ज़्यादा रह नहीं सकते बाहर। बताने की ज़रूरत नहीं आपको, आप भी भुक्तभोगी होंगे। तो एक रात की छूट मिली है, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं करते हैं। और आसपास में कहीं तो अच्छे लोकेशन पे डिसाइड करते हैं कहाँ पे जाना है। सो ये टाइम हम लोग जा रहे हैं पंचगनी। ये देखिए कातरज का बोगदा, दैट्स अ टनल स्टार्टेड। तो ये रूट में मैं पता नहीं कितनी बार आ चुका हूँ। पंचगनी तो मेरा ऐसा हो गया है, पंचगनी वाई महाबलेश्वर तो ऐसा हो गया जैसे हर महीने ऑलमोस्ट। सो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, वहाँ पे स्टे कैसा होगा क्या होगा मैं आपको बताऊँगा, सो दैट आप भी वहाँ प्लान कर सकते हैं। इनकेस आपका पंचगनी का प्लान बनता है देन आप वहाँ पे रुक सकते हैं। सो दोस्तों अभी कपूर होल में ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी आए यहाँ पे। ये यहाँ पे जब मॉर्निंग में आप आते हैं सुबह में 6:30-7 बजे के आसपास तो सनराइज़ हो रहा होता है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ये लोकेशन। बट अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है देखने के लिए। बट कभी आप ऐसे यहाँ पे आ रहे हैं तो अगर आप मॉर्निंग में आते हैं तो इट विल बी हेवनली। सो दोस्तों अभी हमारे फ्रेंड्स में से एक यहीं लोकल का रहने वाला है, तो हम लोग उसका भी यहाँ पे खेत है, तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं। उसका एक्चुअली इसका जो नेटिव प्लेस है यहीं पे है, खंडाला करके एक जगह आता है सतारा में, तो वहीं पे आता है। तो हम लोग उसके भी घर जा रहे हैं, उसके बाद फिर पंचगनी की ओर कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा अनार का खेती है मेरे फ्रेंड का, तो यही देखने के लिए हम लोग आए। यहाँ पे अनार का बड़े पैमाने पे खेती किया जाता है, और ऑब्वियसली ये घर के लिए नहीं होगा, ये बेचेंगे। तो ये जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वो सारा आपका ये अनार का खेती है। और लोकेशन देखिए कितना शानदार, और ये मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स सामने आपको दिख रहे हैं। सो व्हाट एन ऑसम। तो दोस्तों यहाँ से खम्भक्ति घाट स्टार्ट होता है, एक घाट उतरने के बाद फिर वाई का जंक्शन आता है जहाँ से मुझे राइट लेना पड़ता है, राइट लूँगा आई मीन।
तो आप जब महाबलेश्वर की ओर जाएंगे या फिर वाई की तरफ जाएंगे तो एक ही घाट आता है, वो ये है, और इस पर यूजुअली हमेशा ही जाम लगा रहता है। तो आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए या फिर मैप में आप देख के आइए। आज वीकडेज है तो इसलिए ट्रैफिक नहीं है। अगर सैटरडे या संडे होगा या वीकेंड या किसी कोई हॉलीडे के दिन आ पाएंगे तो ये इस समय तो एकदम डेड लॉक ट्रैफिक में रहता है। आगे और भी सीनिक लोकेशन आएगा इस घाट पे, मैं आपको दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlog007। तो दोस्तों अभी ये पंचगनी घाट स्टार्ट हो गया है। यहाँ का रास्ता मैं पहले वाले ब्लॉग में मैं बता चुका हूँ, यहाँ का रास्ता जो है सांप के जैसा है। ये देखिए ये सारे रास्ते आपको सांप के जैसे लगेंगे, इधर उधर लेफ्ट राइट होते रहेंगे। बाकी अभी दोपहर हो गया तो मैं अभी ज़्यादा कहीं रुक नहीं रहा हूँ। आप अगर मॉर्निंग मांगे तो यहाँ पे अच्छा खासा लोकेशन होता है, अच्छा खासा सीन होता है यहाँ पे, सीनरीज आप रुक के देख सकते हैं। ये देखिए मेरे राइट में दोस्तों। आपने अगर मेरा टेबल लैंड का वीडियो नहीं देखा है तो टेबल लैंड एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पंचगनी में, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो आप अगर पंचगनी आने का प्लान कर रहे हैं तो टेबल लैंड आपके एक वन ऑफ द डेस्टिनेशन में होगा, आप अगर रिसर्च करेंगे थोड़ा। तो टेबल लैंड में बेसिकली बहुत सारे चार पांच स्पॉट्स हैं। टेबल लैंड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसका जो प्लेटू है ये टेबल के जैसा है, मतलब फ्लैट है। यहाँ पे पांडवास के फुटप्रिंट्स हैं और कुछ केव्स हैं जो टूरिस्ट अट्रैक्शन का के लिए बने हैं, मतलब केंद्र हैं बेसिकली। तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग मैं भी बाइक पे हूँ, बाकी के फ्रेंड्स कार से हैं, तो मैं शायद जल्दी आ गया हूँ। तो जो हम जहाँ रुकने वाले हैं, जो स्टे लोकेशन है, दैट्स पंचगनी टेंट हाउस। नाम इसका टेंट हाउस है बट इट्स काइंड ऑफ रिसोर्ट। तो आपको मैं वहाँ जाके बताऊँगा लोकेशन क्या है, फैसिलिटीज़ क्या क्या कैसी है। तो बने रहिए मेरे साथ। एंड ये एक हिल के ऊपर है, तो वहाँ से जो सीनरीज है, जो व्यूज़ है, वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। यहाँ का लोकेशन मैं डाल दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है इसका एंट्री, ऐसा लग रहा है मैं किसी हिल के ऊपर जा रहा हूँ। तो आ गए हो, तो ये इसका एंट्री है, आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कैसा है। तो दिस इज पंचगनी टेंट हाउस। तो देखिए दोस्तों ये लोकेशन एक नंबर शानदार है, और ये एंट्री है ये सामने, यहाँ से
मेन गेट है बेसिकली। तो ये पूरा जो ये रिसॉर्ट है ये एक हिल के ऊपर है एंड यहाँ पे आप अप्रॉक्स 10-12 कार पार्क कर सकते हैं, बिग कार्स SUV। अंदर की फैसिलिटी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। यही गार्डन है इनका। ये देखिए पंचगनी टेंट हाउस एंड हॉलीवुड पैलेस रिसोर्ट, दिस इज अ फुल नेम। क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे आप देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए यह है हमारा रूम, ये वॉशरूम है और ये डबल बेड। और ये बालकनी है, बालकनी से व्यू देखिए आप कितना शानदार। ये अमेनिटीज है, वहाँ पे बोन फायर होता है, ये स्विमिंग पूल। ऐसे हम लोग ने टोटल 3 रूम बुक किए हैं। तो नीचे का क्या फैसिलिटीज है मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों ये था हमारा स्टे इन पंचगनी टेंट हाउस एंड हॉलीवुड रिसॉर्ट। नाम इसका ऐसा ही है बट फैसिलिटीज़ A1 क्लास। आप ये गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पे हमने रात को यहाँ पे
उन्होंने वो जलाया था, आग जलाया था और वहाँ पे बैठे थे, शानदार लग रहा था। उसका रिकॉर्डिंग मैं डालूंगा ऑब्वियसली, आप देख सकते, फैमिली के साथ आ सकते हैं, यहाँ मल्टीपल अदर फैमिलीज भी थी। खाना मैं स्टार्टर को बोलूँगा एवरेज, बट डिनर वाज गुड, सो आप यहाँ प्लान कर सकते हैं। यहाँ का पर पर्सन हम लोग टोटल एक रूम में चार बेड, एक रूम में चार लोग रुक सकते हैं, तो पर पर्सन इन्होंने 2000 दिया, तो 8000 आप एक रूम का मान के चलिए। एंड इट वाज गुड, लोकेशन वाइज इट्स सुपर ऑसम। तो ये पार्किंग है, पार्किंग में अप्रॉक्स 7-8 कार, बड़े एसयूवीज लग सकते हैं, आगे भी स्पेस है इनके पास। तो दिस इज द लोकेशन। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ESPN_vlog007। सो अभी यहाँ से हम लोग मैप्रो गार्डन जाएंगे, सो आगे क्या है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।